नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। और आज हमने बनाई है बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जिसे कहते हैं कि पाल केक। और ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया ये पाल केक बने हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी पानी ले लिया है और एक छोटी कटोरी इसमें हम चीनी डाल देंगे। हम इसकी चाशनी बनाएंगे। अब पाल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 चम्मच दही डालेंगे। देखिए, हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली साउथ साइड में ना इसमें आप अंडा भी यूज़ करते हैं, तो चाहे तो आप 1 अंडा यूज़ कीजिए, और यदि आप अंडा यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर 2 चम्मच दही ले लीजिए। अब नेक्स्ट, यहाँ पे दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी और दही को हम अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए थोड़ी सी 1 चम्मच हम यहाँ पे पिसी हुई शक्कर यूज़ करेंगे। और अब शक्कर डालने के बाद भी इसे हम अच्छी तरह से यूँ फेटेंगे, ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर यहाँ पे बनके तैयार हो इसका। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट हम इसमें 1 कटोरी गेहूँ का आटा ऐड करेंगे और 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। और अभी सारे मिश्रण को हमें मिक्स कर लेना है। और इस मिश्रण को गूंदने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे, और इसका हमें एक डो लगाना है सॉफ्ट सा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध मिक्स कीजिए और इस तरह से एक डो बना लीजिए। हमें इसका डो सॉफ्ट ही लगाना है, एकदम हार्ड सा डो हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए, एक बड़ी सी लोई हमें इसकी बना लेनी है इस तरह से। अब एक चकोटी पे आपको इस डो को बेलना है, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे आटा मत लगाइएगा। इसकी बजाय मैं उंगली में थोड़ा सा घी लेकर यूं इस तरह से घी लगा दूंगी, और फिर ये डो हमारा रखकर इसे बेलना है। तो ये देखिए, इस तरह से मोटा मोटा सा हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। हमें इसके चौकोर बॉक्स चाहिए है, यानी कि रेक्टेंगल शेप में हम इसके बॉक्स चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, तो इस शेप में हम इन सारे बॉक्सेस को तैयार करेंगे। तो देखिए, सारे पाल केक्स को हम लोग शेप दे रहे हैं इस तरह से। अब लास्ट में ये बच गया है, तो इसे भी हम बहुत इजी होता है इस डो को हैंडल करना, तो इसे यूं हम हाथों से बहुत आसानी से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से इसे शेप दीजिएगा। ये देखिए, और सारे पाल केक्स को हमने इस तरह से यूं मोटा ही रखा है, तो इसे मोटा ही रखना है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमें तेल को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है। नॉर्मली जब गर्म हो जाए तो एकदम मीडियम फ्लेम पर हमें इन पाल केक्स को फ्राई करना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दीजिए आप। और इन्हें बढ़िया से एकदम गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना होगा। ये देखिए, हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये फूल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इन्हें बढ़िया एकदम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर इनका आया है ना। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरह से सारे पाल केक्स को भी हम फ्राई करेंगे। और हमने इसके लिए चाशनी बनाई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं और चाशनी हमारी बच जाती, तो दोबारा से हम गुलाब जामुन तो बनाते नहीं हैं। तो इसकी बजाय ना आप ये पाल केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपकी गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो भी यूज़ हो जाएगी, और एक बहुत बढ़िया सा नया एक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सेकेंडली भी हमारे बन के तैयार है।
तो अब ये देखिए सारे पालकेक्स को हमने चाशनी में डाल दिया है, लेकिन इसे खाने के लिए आपको थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमें गुलाब जामुन को चाशनी में अच्छे तरह से सोखने की ज़रूरत होती है, उसी तरह इसे भी आप 4-5 घंटे बाद ही इसमें से निकालिएगा, अच्छे तरह से ये चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगा, तो इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। तो इस सिंपल सी स्वीट सी रेसिपी के लिए एक स्वीट सा लाइक तो बनता ही है। तो यदि रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।